रहा हूँ। इस साइड छोड़ो, आप इस साइड ही चलते हैं, मेरे को इस साइड ही फील आ रही है कुछ। अच्छा ये है वो जगह, ये देखिए ये वो जगह है जहाँ अवस्थी जी की चप्पल टूटी है, चप्पल टूटी ये है। मेरी महान चप्पल है जिसने मुझे बचाया, वरना वहीं से वो जंप गया है जहाँ मैं खड़ा था। जहाँ ये खड़े थे वहीं से जंप मारा उसने, हम लोग तो इधर थे, इनके सीधा मैं यहाँ पे बाद में वहां से आके यहाँ पीछे चला जाए। फोन ऐसे फेंक दियो, हाँ फोन, हाँ गाड़ी की चाबी भी साथ में जाएगी। घर कैसे जाऊंगा? नहीं वो पॉटी भी तो करेगा सुबह। वो निकल जाएगी चाबी, हम इंतजार करेंगे। ये है, ये पीछे का है, ये पग मार्क है, ये अभी वाले का है। अब मैं आपको बताता हूँ पूरा इंसिडेंट। ये लोग ये चले गए अपना जूता लेने के लिए, पहनने के लिए, चप्पल टूट गई थी तो मैं अकेला गया पहले इधर यहाँ पे दोस्तों, वहां पत्थर पे मैं खड़ा था और मेरी चप्पल टूट गई। मैं चप्पल चेंज करने आया इस गेट के पास में, मैं चप्पल चेंज कर रहा था और यहाँ से लेपर्ड भागा है, साकेत और एक बच्चा यहाँ गए, कुबेर जी वहां से गए, एकदम से भागा ऐसे, और वो उसी जगह से निकल के गया जहां मैं खड़ा था। अगर मेरी चप्पल नहीं टूटी होती और मैं वहीं होता तो एकदम वो मेरे बगल से निकल के जाता। अभी हम ट्रैक करने जा रहे हैं, इवनिंग ट्रैक। इस जगह पे मैं खड़ा था और यहाँ मेरी चप्पल टूटी और यहीं से जंप मार के वो ऐसे गया, और वो मैं उस वक्त के उस गेट पे जूते पहन रहा था। अभी दोस्तों हम लोग इवनिंग ट्रैक पे निकले हुए हैं, जंगल ट्रैक पे। तीन चार लोग हैं, टॉर्च मार के देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा लेपर्ड निकल के गया था जैसे मैंने बताया, तो डंडा भी है हमारे पास, पेपर स्प्रे भी है, और अभी पूरी तरह से अंधेरा हुआ नहीं है। आप देख रहे हैं अंधेरा हो रहा है, ये वो टाइम है जब कार्निवोरस एनिमल्स निकलते हैं। तो अभी बार्किंग डियर की एक कॉल हुई है काफ़ी दूर से, और ये वो एरिया है जहां जंगली जानवर होते हैं। पड़ के साथ बच्चे हैं, कब्स हैं, उसका पग मार्क है। तो आज जो हमने देखा या जो मैंने देखना मिस कर दिया बस थोड़ा उससे, वो था मेल बड़ा लेपर्ड और एक फीमेल लेपर्ड है और उसके साथ तीन बच्चे हैं जो उस दिन मेरे वीडियो में रिकॉर्ड हुए थे रात को, जिसकी आंखें चमक रही थी। तो जंगल की साउंड सुनने आए हैं, सेफ्टी हमारे साथ पूरी है, डंडा है, पेपर स्प्रे है। यहाँ पे कोई जानवर है, इधर तो आया वो जंप करके, कहीं भी हो सकता है, पेड़ पे आराम से बैठता था, लटका नीचे। देखो आवाज तो नीचे से आई ना, जमीन इस झाड़ी में से वहां से आ रही है आवाज। हाँ कोई चीज चल रही है नीचे। अभी देखना, मैं बताऊं 10 मिनट के अंदर हमको टाइगर की रोड सुनाई देगी, देख लेना उधर से। और हम लोग यहीं खड़े थे इस घर में। ये एकदम इसका जाना ठीक नहीं है, बड़ी बड़ी हम यहाँ पक्का छुपा होगा यहाँ से, हम नहीं उसमें नहीं, वहाँ खतरा है। सुनो एक काम करो, बस कुछ मत करो, इधर आके थोड़ी सरप्राइज मार दो। ये देखो ये काकड़ की पाटी पूरी, नहीं काकड़ नहीं सांभर की, ये सांभर की, सांभर काकड़ी छोटी होती है। सरप्राइज मार दो थोड़ी सी सारी झाड़ियों, क्योंकि दोस्तों हमें जाना था आगे तक एलिफेंट वॉल तक, लेकिन वहाँ पे झाड़ियाँ बहुत बड़ी हैं, कहीं भी छुपा हो सकता है। बहुत बड़ा लेपर्ड घूम रहा है, टाइगर तो थोड़ा दूर होगा लेकिन लेपर्ड यहीं पे है, तो आगे जाना ठीक नहीं है। ये उल्लू की आवाज़ आ रही पीछे से, वो आगे एक हाथी की दीवार है जो गवर्नमेंट ने बनाई है जिससे हाथी क्रॉस करके इधर ना आ पाए, और उसके बगल से ऐसा गड्ढा करके यहाँ बनाए। यहाँ से पत्ता गिरा है, बंदर ने भी गिराया हो सकता है। पीछे से उल्लू की आवाज आ रही है, आगे पूरा।
ये लैपविंग चिल्ला रही है टिटेरी। इसके जो अंडे दिए होते हैं उसके पास में कोई भी अगर मूवमेंट होती है तो ये चिल्लाती है, लेकिन ये गाँव में भी चिल्लाएगी, कुत्तों के लिए भी, बकरी के लिए भी, लेकिन यहाँ पे किसी कुत्ते और किसी बकरी की हिम्मत नहीं कि बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे जो भी मूवमेंट है उसके अंडों के पास में वो किसी जंगली जानवर की मूवमेंट ही है। दोस्तों हो गया तो बड़ा दोस्तों, ये प्रेम कुमार जी देखिए अकेले आ रहे हैं बिना डंडा लिए, सामान लेके। कहाँ से लेके आए सामान? दुकान से। दुकान से वो जो लेपर्ड दिख रहा है हमें, एक बार टॉर्च मारना है, जो लेपर्ड दिख रहा है जी, तो रोज दिखता है आपको? सर ये हर चौथे पांचवें दिन दिखता है। तो आप डंडा लेके नहीं आए? डर नहीं लगता? ना, ये हमें आदत जैसी बन गई फिर। हाँ, और आदमी भटक नहीं करता, उतना डर नहीं है। ये तो हम इतने लठ वठ लेके चल रहे हैं, ये बताओ। हाँ, तो क्या सर, अब ऐसा है, आदत है फिर। अब देखिए दोस्तों, हम ये लठ लेके आए हैं। ये तो अच्छा, एक बात आइए, जो अभी मेरे लॉन के जस्ट नीचे, जैसे इतनी दूर पे जितनी दूर पे आप, वही वाला बड़ा वाला, वो भी निकल के भागा है, सबने देखा, इन लोगों ने सबने देखा। तो आप, वो आपको आज सुबह दिखा था? कहाँ पे दिखा? यहाँ नीचे, ये रोला जिसमें लंगूर बैठे थे ना ऊपर से। अच्छा, लंगूर और मोर वो इशारा करते हैं, जब बाघ आता है तो इशारा कर देते हैं, हम उसका थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। अभी ये जानवर कोई ऐसा खतरनाक जानवर आ रहा है, ये अपनी आवाज में गुनगुना रहे हैं। अच्छा, तो लंगूर भी उसके बाद वो नीचे को ही गया। तो जैसे अभी आप लोग, क्या बाथरूम नहीं है तो आप लोग यही कहीं जाते हो? जी सर। तो फिर तो खतरा है सर। सुबह आते हैं फिर, लगभग हम 7 बजे 6:30 बजे के दरमियान आते हैं। डंडा वंडा लेके आते हो? ना ना, हाथ में बोतल पानी की। हाँ, तो मान लो अटैक कर दे, फिर यहाँ पर खड़े होकर के थोड़ी देर खड़े रहते हैं। मुझे भी शेर भी देखा था इन्होंने कभी। शेर मतलब टाइगर? टाइगर देख रहे थे आपने? जी हाँ जी, मैंने टाइगर कई बार देखा। आप तो आई हाल में तो नहीं देखा है। हाँ, इस एरिया में। हाँ, वो बागी देखा है, एक दीवार में बैठ करके, कभी नीचे कभी ऊपर। हाँ, और ऐसे ही हम मतलब टाइगर अभी हाल में नहीं देखा, लेकिन लेपर्ड देखा है। लेपर्ड तो यही का ठहरा। हाँ, वो जो है जिसको वगैरह वगैरह अभी नहीं देखा, वो बड़ा धारी वाला। बड़ा धारी वाला? हाँ, वो कब देखा? ये तो आज ही देखा सुबह। धारी वाले की बोल रहे हो आप? जी, हम तो चित्ती वाले की बोल रहे हैं। ना ना ना, वो तो तेंदुआ हुआ फिर। हाँ, तेंदुआ देखा है। आज इन्होंने टाइगर देखा है, वो बूटे वाला। आप शेर की क्या बात कर रहे हो? शेर उससे बड़ा होता है, आप कह रहे थे। शेर तो बहुत बड़ी चीज है। वो क्या क्या शेर? यहाँ हमने 2-3 बार देखा है। वो क्या होता है? कैसा होता है वो शेर? जो रुपये में शेर होता ना, एक रुपये में छाप जिसके बाल वाला। जी, वो यहाँ होता है? नहीं, गुजरात में होता है। गुजरात में नहीं। सर मेरी बात सुनो, ये पता है कहीं ना कहीं ये एंगल पता है कहाँ से उड़ गया? जो मैं सूरज वन बता रहा हूँ ना आपको, वहाँ पर भी 3 उन्होंने क्लेम किया है कि हमने यहाँ पर लॉयन देखा है। अच्छा, हाँ। और अभी एक आप आर्टिकल आप अभी देखो कि अभी देहरादून में भी देखा गया है। सर मेरी बात सुनो, जिस जंगल में टाइगर है लायन रह ही नहीं सकता। तो ये अच्छा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ उनका क्या। हाँ, आपने जो जिसको शेर बोल रहे हैं उसके यहाँ बाल ज्यादा, बहुत बड़े बाल थे ना। बहुत अरे जब ये इसके भी होते हैं टाइगर बड़े बाल, तो इसके ये वाले बाल ना जो फुल ग्रोन। हाँ, उसके बाल ऐसे करके से हाँ, नहीं होता, हाँ, ऐसे होते हैं। जब ये 7-8 साल का हो जाता है ये बाल वाला है। वो नहीं, वो अच्छा, तो अगर जो आज आपने देखा है जी, वो धब्बे वाला था ना, ना वो लंबी लंबी धारी होती है। टाइगर देखा है? टाइगर देखा है। हम पे ग्राउल के अंदर हम भागे थे, वो वाला वो यही रहता है नीचे। वो जो कल परसों रात को ग्रॉल किया था, नहीं दाने वाला का आप कह रहे हैं ना, जिसको उसको हम तेंदुआ बोलते हैं। हाँ, तेंदुआ ही बोलते हैं। तेंदुआ गोल गोल बूटे वाला, बिल्कुल। वो तो यही बहुत लंबे समय से यही है। तो आज जिसकी आप बात कर रहे हो धारी वाला की बोल रहे हो? धारी वाला वो नीचे को निकल गया, और अभी हमसे जो निकल गया तेंदुआ गया है। वो बड़ा वाला तेंदुआ था। अच्छा, सबसे बड़ा वाला। एक तो एक तेंदुआ, उसके साथ 2 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चों वाला है। वो जो मैं बोल रहा हूँ टाइगर ग्रॉल कर रहा था परसों, वो यही तभी हमने मना कर दिया नहीं जाना नीचे भी। अभी इनके आए थे ना परसों, तो इन लोगों ने बताया यहाँ पे जब भी बात ही कर रहे थे ये अभी, तो 2 बार दहाड़ा सब लोग, हम लोग वहीं पे थे, 2 बार पूरा जैसे पूरा ऐसे आवाज आई पूरी। हाँ, तो ये काफी हो गया दोस्तों। इसीलिए जो ना इस एरिया में अभी मैंने मना कर दिया था आगे जाने के लिए, क्योंकि टाइगर की मूवमेंट यहाँ पे बहुत है। उस दिन मैंने खुद परसों आवाज सुनी है 2 बार दहाड़ने की, इसलिए मैंने कहा अभी आगे नहीं जाना। तो हम उनसे पूछ रहे थे कि लेपर्ड और इन्होंने टाइगर देखा है, हम कंफ्यूज थे। हाँ, बेसिकली क्या है ना, जो गांव वाले होते हैं ना, वो गांव वाले क्या होते हैं, बाघ को, तेंदुए को बाघ बोलते हैं। हाँ, लेपर्ड को। हाँ, और शेर बोलते हैं
टाइगर को, टाइगर को, तो हम इसलिए कंफ्यूज थे थोड़ा। अच्छा अच्छा वो बाघ मतलब बघेरा हो गया ये, लेकिन ये एग्जैक्ट अपनी उसमें बता रहे हैं कि भाई ये बाघ को देखा है उन्होंने, बाघ मतलब टाइगर, टाइगर जो एक्चुअल होता है धारी वाला, इनको इतनी पहचान है कि धारी वाला और धब्बे, इन्होंने आज धारी वाला देखा। लंगूर ऊपर से बोल रहे थे कितना बड़ा था सर, वो इतना बड़ा, उसकी लंबाई ज्यादा थी, ऊंचा इतना ही था सर, ये कम है, बहुत है, बहुत बड़ा है वो, मुझे गाय वाले ने बताया दो तीन पैर खड़े करता है ना तो 12 फुट तक पहुंचते पेड़ के, खाली में खाली चलने में ना थोड़ा सिकुड़ के चलता है, सिकुड़ नहीं, सिकुड़ के तो नहीं चलता टाइगर, सिकुड़ के चलता है तेंदुआ, ये चौड़े में चलता है सुबह का टाइम जब लंगर को, हाँ तो अटैक करने घात लगा के फिर सिकुड़ चलता है, अलग चीज है वो, कभी कभी इंसान की मूवमेंट देख के भी सिकुड़ सिकुड़ निकल जाता है। ये अगर आपको देखना है तो आप यहाँ सुबह 6 बजे यहाँ पर आना पड़ेगा आपको, इस टाइम मूवमेंट करता है, हाँ यहाँ पर से खड़े होकर के आप वो वहाँ से लेकर ये रौला टाइप का है ना जो पहाड़ी नाला, इसमें वो नीचे ऊपर को चलते रहते हैं। जी नीचे जाना नाले में चलना सेफ है, सुरक्षित है, सेफ नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, मैंने तो क्या? ऐसी डर नहीं है लेकिन सुबह प्लान था क्योंकि नहीं सुबह और शाम को वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको विवेक अवस्थी की सलाह माननी पड़ेगी आपको इसलिए मना कर रहे थे ना, इन्होंने बता दिया क्यों, कितना बड़ा साइज है उसका, हमारे सामने आ गया तो ये डंडा क्या कर लेगा, ना 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 डंडे की बरसात थोड़ी है वो तो कान भी कम सुनता है, कान भी कान क्या जिद्दी होता है, कान कम सुनने का मतलब जिद्दी से नहीं हटने वाला इनका मतलब, ये लेपर्ड जैसे भाग जाता है ना वो जिद्दी है कि वो आएगा ही आएगा बिल्कुल, अगर आपके सामने लेपर्ड को तो मैंने पत्थर मार रखा है, कहाँ से, अरे ये पहले की बात हो गई ना, अच्छा अच्छा आप डंडा लेके चला करो, चलो धन्यवाद जी, ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद, मिलते हैं फिर, टाइगर मूव कर रहा है यहाँ पर, गजब। ये दोस्तों जंगल से ट्रैक करके आ गए, ये अपनी कॉटेज आ गई, और जब दोस्तों मैं ट्रैक कर रहा था तो मेरे एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में पेपर स्प्रे, बाकायदा उंगली इस तरह से लगा के, क्योंकि जब सडन अटैक करेगा ना तो आप पॉकेट में इसको ढूंढते ही रह जाओगे, तरीका ये है कि एक उंगली इसमें रख के चलो कि सिर्फ इसको बटन दबाने की देर है और 15 फीट दूर तक उसके ऊपर वार होगा, आपका सडन अटैक बच जाएगा। दोस्तों ये दीपक वर्मा जी हैं, ये राकेश जी हैं उनके साथ ही, तो ये आज निकल रहे हैं, मुझे भी शाम को निकलना था लेकिन मुझे कुछ बुकिंग्स वगैरह का काम आ गया, तो मैं सुबह सुबह निकलूँगा नाश्ता करके, लेकिन इनको अर्जेंट काम है तो ये डिनर करके रात को ही निकल रहे हैं। नाइट ड्राइव भी पसंद है, नाइट ड्राइव हाँ वो बच जाओगे, और दूसरा इन्होंने मुझे एक टेक्निक बताई, वैसे मैं 16-16 घंटे ड्राइव कर लेता हूँ लेकिन इन्होंने मुझे टेक्निक बताई कि जब नींद आए तो कॉफी फाक कितनी 2 रुपए वाला पाउच आता है ना, हाँ, कैफे पूरा फाक जाओ, हाँ, जो कुछ ज्यादा दिमाग तो नहीं खराब कर देगा, नहीं, एक्टिव कर देगा, अच्छा बस फाक के पानी पी लो, नॉर्मली यार देखो फाक के पानी बेसिकली मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ब्लैक कॉफी पीनी है, हाँ चाहे वो गर्म पानी में डाल के ब्लैक कॉफी पी लो, हाँ तो गर्म पानी मिलता नहीं गाड़ी में, हाँ, हाँ, हम तो यही करते हैं कि बस फाड़ा वर्कआउट से पहले भी, हाँ, मुंह में डाला पानी पी लिया, हाँ, तो ये अच्छी है, मैं ट्राई करूंगा दोस्तों गाड़ी में रखूंगा कॉफी पाउच, जब कई बार नींद आती है तो काम आएगा। तो अभी ये निकल रहे हैं, तो दोस्तों इनका देखना आप चैनल, वैसे तो आपने देखा ही होगा, हाँ, नहीं देखा तो द रियल वन लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको, इनका नाम है दीपक वर्मा लेकिन ये चैनल इनका नाम रखा हुआ द रियल वन। तो अभी बड़ा अच्छा लगा, ये सेकंड टाइम मीटिंग थी और जल्दी ही तीसरी बार भी मीटिंग होगी इनके साथ। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों ये सिमरनजीत सिंह है, इनका नाम है ट्विंकल, ये वीरू क्या कहे थे सब्सक्राइबर है, तो वीरू ने कहा था सर काशीपुर में मिल लेना, इनका नंबर शेयर हुआ था, बात हुई तो अभी मिलने आ गए हैं, थैंक यू, जल्दी में वो ना करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।